हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षण निदेशालय दिल्ली सरकार की हिंदी की कार्य पत्रिका क्रम संख्या 137 करेंगे। 20 दिसंबर की क्लास सेकंड की पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका रिमझिम बुक से। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो बच्चों, हम जानते हैं कि आप कार्य पत्रिकाओं का अभ्यास बहुत मन लगाकर करते हैं, तो आइए कुछ नया सीखने से पहले पिछले 2 हफ्तों की कुछ कार्य पत्रिकाएँ जो है हमारी, उनका पुनरावृत्ति से अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए तथा सही तुकान शब्द पर निशान लगाइए। लाल काला, गीले सीले, अंदर बाहर, कपड़े बर्तन। तो तुकान शब्द वो होते हैं जिनमें एक जैसी साउंड आती है, तो यहाँ पे गीले सीले में एक जैसी साउंड आ रही है, तो ये हमारे तुकान शब्द। अब दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। इनमें से एक शब्द अलग है, उसे पहचान कर लिखिए। कोयल, गाय, चिड़िया, बुलबुल। अब चिड़िया, बुलबुल और कोयल, ये क्या है? बर्ड्स है, हमारी पक्षी है, पर गाय एक जानवर है, तो गाय अलग है। अब कविता की पंक्तियों में दिए गए विकल्प से भरे। कविता में आसमान से किसको बुलाया गया? कविता में आसमान से सूरज को बुलाया गया। जमकर बैठा यहाँ, डैश आर पार न दिखता है। तो यहाँ पे आपको लाइन पूरी करनी है। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है। तो अब हम किस मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं तथा आग तापते हैं? तो हम सर्दी के मौसम में क्या करते हैं? सर्दी के मौसम में हम आग तापते और गर्म कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से आप ही वर्कशीट को करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।